वेल फ्रेंड्स, तो बहुत ही बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पानीपत मूवी के बारे में, और बात करेंगे कि आखिरकार बॉलीवुड में सबसे बड़ा हंगामा क्या हो रखा है। इस बारे में बात करेंगे और ही बता देंगे पानीपत मूवी के क्या हो रहा है पहले दिन का कलेक्शन। तो चलिए बिना देरी शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे बड़ा हंगामा है स्क्रीन काउंट का। जहां पानीपत मूवी रिलीज हुई है, इस मूवी को ये बताया जा रहा है कि क्या 1700 स्क्रीन मिली है। और वहीं मैं बात करूं पति पत्नी और वो को 2200 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। और एक तरफ मैं बात करूं पानीपत के रिव्यू की, तो रिव्यू बहुत ही ज़्यादा शानदार देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पीरियड ड्रामा मूवी बहुत ही मुश्किल से और बहुत ही बारीकी से बनाई जाती है। तो इस मूवी के रिव्यू बहुत ही ज़्यादा शानदार देखने को मिल रहा है। और मैं बात करूं अर्जुन कपूर की, तो अर्जुन कपूर की एक्टिंग को शायद बहुत सारे लोगों ने खराब बोला था, लेकिन कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी वजह से लोग उन पर कमेंट करते हैं। लेकिन एक एक्टर जब एक्टिंग करते हुए कैमरे के सामने आता है तो उसको चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। और दिखाना पड़ता है वाकई में वो कैसा है। हालांकि अर्जुन कपूर के एक्सप्रेशन इतने ज़्यादा अच्छे नहीं रहते हैं, लेकिन वाकई में उनकी एक्टिंग को लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छा कह रहे हैं। और वहीं बात करूं संजय दत्त की, तो संजय दत्त ने वाकई में किरदार में जान डाल दी है। और वहीं बात करूं कृति सेनन की, तो कृति सेनन ने वाकई में धमाका कर दिया है। और बात करूं इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कुछ बताया जा रहा है 8 करोड़ रुपए। जबकि अगर हम बात करें इस मूवी को पहले दिन 18 करोड़ या 15 करोड़ या 20 करोड़ की भी कमाई मिल सकती थी। अगर मैं बात करूं इस मूवी को जब 1700 स्क्रीन मिले हैं, क्यों मिले हैं? क्योंकि कमांडो 3 एक तरफ विद्युत जामवाल खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं पागलपंती भी कुछ स्क्रीन्स पर चल रही है। और वहीं बात करूं मरजावा की, तो मरजावा ने भी कुछ थिएटर्स घेर रखे हैं। वहीं बात करूं होटल मुंबई जो पिछले हफ्ते रिलीज हुई, इसने भी कुछ भले ही 10 थिएटर लेकिन घेर रखे हैं। वहीं बात करूं पानीपत की, तो पानीपत का क्या होगा हाल, क्या नहीं होगा, ये मूवी कितने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तक जाएगी, क्या वाकई में ये पीरियड ड्रामा मूवी 100 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पार कर पाएगी या नहीं। और वाकई में जब इस मूवी की बात की जा रही है ऐसी, तो इस मूवी को कितने स्क्रीन पर रिलीज करना चाहिए था। वाकई में पीरियड ड्रामा मूवी को एक अच्छे टाइम पर रिलीज करना चाहिए, और उस मूवी को एक हमें बॉलीवुड में जो एक जगह होती है वो जगह देनी चाहिए। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो होता है उस मूवी का हमेशा से अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब ये मूवी बनती है तो इनमें बहुत ही अच्छा खासा पैसा खर्च होता है और अच्छी खासी कॉस्ट्यूम डिज़ाइन होती है, और अच्छे खासे VFX के लिए सालों साल मेहनत करते हैं लोग। तो वाकई में आप लोग ये बताइएगा, क्या ताना जी के साथ भी ऐसा ही होगा, क्या पृथ्वीराज के साथ भी ऐसा ही होगा, क्या आने वाली कई सारी मूवीज़ के साथ ही भी ऐसा ही होगा, क्या बॉलीवुड की मूवीज़ कभी 1000 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पार कर पाएंगी या नहीं। जो आने वाली ऐसी इस टाइप की मूवीज़ है, बाहुबली ने हालांकि वर्ल्ड वाइड में इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, लेकिन उसके बाद और मूवीज़ क्यों नहीं कर पा रही हैं, क्यों नहीं हो पा रहा है मूवीज़ के साथ इंसाफ, आप लोग प्लीज़ कॉमेंट में बताइएगा। और हमसे जुड़े रहने के लिए हम आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे, और आपको हमसे जुड़े रहने के लिए आपको पता ही है क्या करना है, और शेयर करना शुरू कर दो दोस्तों। आप लोग के लिए अपडेशन बहुत ही जल्दी जल्दी होती रहेगी। हम चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं, बाय बाय।